बहुत से स्टूडेंट्स का आयल्स रीडिंग के अंदर स्कोर इम्प्रूव नहीं होता, जनरली वो 5.5 पे स्टक रहते हैं। उनके लिए मैं टिप ट्रिक्स आपको बता रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। बेसिकली वैसे तो अगर बच्चे की सेंटेंस की ट्रांसलेशन और वोकेबुलरी अच्छी है तो डेफिनेटली रीडिंग अच्छी हो जाएगी, लेकिन फिर भी जो बच्चे स्ट्रगल करते हैं 5.5 पे, उनको करना ये चाहिए कि स्टार्टिंग के अंदर एक्यूरेसी पे वर्क करो, आपके क्वेश्चन सही होने लग जाएं समझ के। जनरली बच्चे 40 क्वेश्चन प्रैक्टिस डेली करते हैं और समझने की कोशिश कम करते हैं, तो जितने भी क्वेश्चन करो आप समझ के करो, और उसके बाद आप डेली एक चार्ट प्रिपेयर करो कि आज मैंने इस क्वेश्चन टाइप के, जैसे ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है, इस टाइप के मैंने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, मेरे इतने सही हुए। तो एक वीक का एनालिसिस करके उसके बाद आपको ये पता लग जाएगा कि ये क्वेश्चन टाइप मेरा वीक है। तो एक तो आप वीक क्वेश्चन टाइप पे वर्क करते रहो, और बाकी जो 5 डेज इन अ वीक, मंडे टू फ्राइडे, आप क्या करो, जनरली मॉक टेस्ट आपका होता है जहाँ भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, सैटरडे को होता है। तो आप मंडे टू फ्राइडे क्या करो कि आपने सही करने की क्वेश्चंस को सही करने की कोशिश करनी है। अगर कोई क्वेश्चन आपके रह भी जाते हैं उनको एज अ होमवर्क अटेम्प्ट करो, लेकिन सही पे आपका फोकस रहना चाहिए कि मेरे ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट हों चाहे कम हों, और इस तरह से आपकी क्या उसमें पकड़ बनेगी, और सैटरडे के अंदर आप इनको टाइम मैनेजमेंट भी साथ में करने की कोशिश करो। तो दो चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताई हैं। फर्स्ट तो आप ये एनालाइज करो चार्ट प्रिपेयर करके कि आपके किस क्वेश्चन टाइप के अंदर ज़्यादातर क्वेश्चन रॉन्ग होते हैं, उसके ऊपर वर्क करना शुरू करो, वीडियोस देखो, अपने ट्यूटर से हेल्प लो, पुरानी जो आपके पास रीडिंग शीट्स पड़ी हैं वहाँ से उसी टाइप के ऊपर फोकस्ड रहो 10 to 15 डेज, आपका डेफिनेटली वो क्वेश्चन टाइप इम्प्रूव हो जाएगा। और सेकेंडली, जब आप प्रैक्टिस करते हो पूरे वीक के अंदर, तो क्वेश्चंस को, ज्यादा क्वेश्चंस को करने के ऊपर फोकस ना करो, सही करने के ऊपर फोकस करो। तो ऐसा करने से डेफिनेटली आपका रीडिंग के स्कोर, रीडिंग का जो स्कोर है वो इम्प्रूव हो जाएगा। अगर इस ट्रिक को यूज करने के बाद आपका भी स्कोर इम्प्रूव हो जाए तो वापस आना इस वीडियो के ऊपर, मेरे को कमेंट करके जरूर बताना।